गोपीपुरा खाते आवेली फेज दाना नामनी दुकान में महाराष्ट्रीयन महिला ने छेड़ती कराई होवानी फरियाद अठवा पोलिस मथके नोंधाई छे। अठवा पोलिस मथक में महाराष्ट्र खाते रहती महिलाए नोंधावेली फरियाद में जणाव्यु हतु के सूरतना गोपीपुरा खाते आवेली दरगाह पर मन्नत पूरी करवा मंगलवारे सूरत आवी हती। ते समय दरगाह पास आवेल फेज दाना नामनी दुकान में खरीदी करवा जता त्या दुकानदार द्वारा अभद्र भाषा उपयोग करी लाज लेवाना इरादे छेड़ती करी हती। तो दुकानदार साथे तेनी पत्नी सहित महिलाओए पण महाराष्ट्रनी महिला साथे असभ्य भर्यु वर्तन कर्यु होवानो आक्षेप करती फरियाद करी छे। मेरे साथ में गलत करने का साजिश रचाया गया था। दूसरी बात है, मेरे साथ में गलत किया ये लोग ने। कब आए थे, कहाँ से? मैं मंगलवार को आई थी, महाराष्ट्र से आई थी यहाँ मन्नत पूरा करने के लिए। जब उसके मर्द ने जब मेरे साथ में गलत करने की कोशिश की तो मैं उसको ये बोली, मैं हो सकता निकली झचका करके कि मैं पुलिस को लेकर के आती हूँ। तो उसने क्या किया कि दुकान बंद करके भाग गया। मेरे रोते हुए वहाँ के दो तीन बंदे मेरे साथ में जुगाड़ हुए, बोले क्या हुआ बहन जी, तुम क्यों रो रहे हो? तो मैंने उसको अपनी सारी बातें बताई कि देखो भाई, ऐसा ऐसा बात है, मैं महाराष्ट्र से आई हुई हूँ, मेरे साथ में किसी ने ऐसा गलत काम करने की कोशिश की है, ठीक है? तू लोग ने बोला कि देखो हम लोग मोहल्ले के रहने वाले हैं, पुलिस स्टेशन में जाओ मत, जो भी होगा हम लोग आपके सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के कारण से उनके बात सुन के मैं उनके घर के दुकान के सामने गई और उनके दुकान के सामने ही मुझे पब्लिक के सामने मुझे सब औरतें मिल के मारे, ठीक है? क्योंकि मैं तो यहाँ के नहीं हूँ सर। और दूसरी बात है, मैं गवाह साक्षी कहाँ से लाऊंगी? उसके बाद क्या हुआ? दूसरी बात है कि फिर मैं यहाँ पे आई, थाने पे आई, यहाँ के भी पुलिस वाले लोग भी साक्षी, कम से कम उसके तरफ के 30 से 35 इंसान सिर्फ मुझे मक्खन लगाए कि तुम अपना गवाह रिटर्न ले लो, छोड़ जाने दो, ई करो वो करो। आज जब कल मुझे फ़ोन करके बुलाया गया, आज जब मैं यहाँ पे आई हूँ साक्षी देने के लिए, तो दो बंदे मेरे ऑटो के पीछे करने के बाद मुझे धमकी दिए कि तुम यदि ये गवाह नहीं लोगी तो तुम्हारे साथ में हम बुरा हालत कर देंगे। गुजरात पुलिस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? गुजरात पुलिस वाले ने मेरे साथ में हेल्प अच्छा कर रहे हैं, पर उन लोग से मेरा यही एक निवेदन है कि मैं जो चाहती हूँ बस उसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर से आप क्या दुहार लगाना चाहोगे? मैं पुलिस का, यदि ये लोग ने मेरे समाधान नहीं करेंगे तो मैं बाध्यों के मीडिया वाला और कमिश्नर साहब का मैं हेल्प चाहिए। बस मुझे मैं इनका साथ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन लोग ने मुझे रास्ते तक भी पकड़े। सोचो फिर कि उन लोग के मन में कितना पाप है। और दूसरी बात है कि उन लोग ने अभी राउंड मार के भी गया कि वो लेडीज स्टेशन में आई है कि नहीं आई है। अभी बताओ कि गलती किस में है? मैं यदि गलती होती तो मैं यहाँ पर तक नहीं पहुँचती थी, मैं चली जाती थी। पर मैं अकेला औरत कहाँ जाऊँगी? मैं, मेरा साक्षी कौन देगा, किसको मैं शामिल करूँ? क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई ना पहचान है ना कोई रिलेटिव है। आप ही बताइए, विचार मुझे सिर्फ आप लोग से चाहिए बस।